हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की लगातार बढ़ती गति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अंकुश लगाने के लिए कोरोना कर्फ्यू की समय अवधि बढ़ा दी है। प्रदेश में अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लगातार बंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आखिरी चरण का मतदान आज चल रहा है। कोरोना काल में हुए इस चुनाव के दौरान अब तक 587 बेसिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है, ये दावा राज्य शिक्षक संगठन ने किया है। देश में 1 मई से वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू हो रहा है, लेकिन दिल्ली में इस चरण को लेकर संकट बरकरार है। गुरुवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बयान दिया है कि अभी दिल्ली में वैक्सीन नहीं है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन की कमी की समस्याएं बताई है। कोरोना महामारी काल में लोगों को राहत देने में जुटी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीबों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार पीडीएस अंतर्गत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक को मई और जून माह में निःशुल्क राशन देगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को प्रतिबंधित संगठन की सूची में डालने की तैयारी में है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है। देश के जाने माने कवि कुंवर बेचैन का निधन हो गया है। उनका नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज चल रहा था। मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया ट्विटर पर ये जानकारी साझा की है। इस साल जनवरी से मार्च महीने के दौरान भारत में सोने के डिमांड में रिकवरी देखने को मिली है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC के मुताबिक पिछले साल जनवरी मार्च तिमाही की तुलना में इस कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में सोने की मांग 37% की वृद्धि के साथ 140 टन पर पहुंच गया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, जो मई के पहले सप्ताह में प्रतिदिन 3 लाख शीशियों तक जाने की संभावना है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बेकाबू हो चुके हैं। देश में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी महसूस की जा रही है, इस कारण देश में मरीजों की हालत अस्पतालों में बिगड़ रही है। ऐसे में भारत की मदद के लिए अमेरिका ने हाथ बढ़ाए हैं। आज अमेरिका से मदद की पहली खेप भारत पहुंचने वाली है। अमेरिका आने वाली दोनों में भारत को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की मदद की एक पूरी श्रृंखला भेज रहा है। अपने नए स्पेस स्टेशन के लिए चीन ने गुरुवार को पहला मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये चीन के उस मकसद को पूरा करने में पहला कदम है, जिससे अंतरिक्ष में स्थायी तौर पर मानव की मौजूदगी हो सकेगी। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।